संत गुरु रविदास जन्म उत्सव समिति की एक बैठक जिला मुख्यालय बुद्धि विहार में संपन्न हुई, जिसमें समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद शीश राम रवि के नेतृत्व में समिति के कार्यकर्ताओं सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। बैठक में गत वर्षों की बात ही इस वर्ष भी 16 फरवरी बुधवार को होने वाले संत गुरु रविदास जन्म उत्सव को हर्षोल्लास के साथ बनाने को लेकर चर्चा की गई और जन्म दिवस के अवसर पर निकलने वाली झांकियों को किस प्रकार से भव्य रूप दिया जाए, इस बात को लेकर चर्चा की गई। बैठक में समस्त कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और रविदास जन्म उत्सव को धूमधाम से मनाने को लेकर बात की गई। बैठक में मुख्य रूप से संत गुरु रविदास जन्म उत्सव समिति के अध्यक्ष डिंपल सागर, पूर्व ब्लॉक प्रमुख एवं समिति के प्रदेश महामंत्री ब्रजमोहन सिंह रवि, प्रदेश कोषाध्यक्ष जोन मेजर, प्रदेश उपाध्यक्ष देवीराम गौतम, कानूनी सलाहकार वीर सिंह राणा, एडवोकेट ओम प्रकाश सागर, संजीव कुमार, मंगू सिंह, राजू भाई, मक्खन सिंह, रंजन सागर, सूरज सिंह सागर, नीकू सागर आदि लोग मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता डिंपल सागर व संचालन कार्यवाहक महामंत्री जोन मेजर ने किया। क्या नाम है? शीश राम सिंह रवि, पूर्व सांसद हूँ बिजनौर से और रविदासिया धर्म का मुख्य संरक्षक हूँ बेगमपुरा का। और कल संत श्रोमणी भगवान गुरु रविदास जी का 645वां जन्मदिन है और इस कार्यक्रम को जो है बड़ी धूमधाम से पूरे देश और विदेश में मनाया जाता है। परंतु पिछले 1000 सालों में हमारी संस्कृति को दबो दिया गया, छुपा दिया गया, उसको जो है नष्ट कर दिया गया। परंतु संत श्रोमणि रविदास जी ने कहा था आज से 600 वर्ष पहले, पराधीनता पाप है, जान ले और मीत रविदास दास परिधीन सो कौन करेगा मीत। तो ये बात 600 साल पहले संत श्रोमणि भगवान रविदास जी ने तय की थी कि हमें जो है स्वतंत्र हो जाना चाहिए और हमें अपना जो है अलग से बेगमपुरा देश, ऐसा देश ऐसा चाहूं राज में मिले सभी को अन्न, छोट बड़न सब संग रहें, संबसें, रविदास रहें प्रसन्न। तो आज जो ये बैठक ये किस बारे में की गई है, क्या चर्चा की गई बैठक में? हाँ, कल को संत श्रोमणि कल को जो है संत श्री गुरु रविदास जन्मोत्सव समिति मुरादाबाद के द्वारा इसमें जो है कार्यक्रम जो है वो राजकीय इंटर कॉलेज से बहुत बड़ा जुलूस जो है शोभा यात्रा के रूप में जो है गुरुजी के यादगार में ये निकाली जाएगी। इसमें उसका शुभारंभ जो है मेरे द्वारा होगा और विनोद जी जो मेयर साहब हैं, विनोद कुमार अग्रवाल जी, वो होंगे और वो हैं लखनऊ का है। और लखनऊ से जी डी बौद्ध जी हैं, वो आएंगे और ये कार्यक्रम जो है ये शुभारंभ इसका राजकीय इंटर कॉलेज मुरादाबाद से 2 बजे प्रारंभ होगा, मंडी चौक होते हुए अमरोहा गेट, कोतवाली बाजारगंज और गुरहट्टी चौराहा, ताड़ी खाना, गुलजारी मल धर्मशाला से होकर नगर निगम टाउन हॉल में पहुंचकर जनसभा में परिवर्तित हो जाएगा। वहां पर जो है संत श्रोमणि भगवान श्री रविदास जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए। मेरा नाम डिंपल सागर है और मैं समिति का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आप सभी को बताना चाहता हूँ कि कल 16 फरवरी को राजकीय इंटर कॉलेज मुरादाबाद से संतों के संत श्रोमणि संत गुरु रविदास जी के भव्य विशाल शोभा यात्रा का शुभारंभ राजकीय इंटर कॉलेज से होगा, जो कि विभिन्न विभिन्न मार्गों से होकर नगर निगम टाउन हॉल पर जाकर समापन होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय जीपी बौद्ध जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय बहुजन महासभा उत्तर प्रदेश के रहेंगे। शोभा यात्रा का नेतृत्व माननीय श्री शाम सिंह रवि जी, पूर्व सांसद जी के द्वारा किया जाएगा। क्या अपील करेंगे? और मैं सभी से कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कल वहाँ पहुँचकर शोभा यात्रा को भव्य रूप देने की कृपा करें और सुबह नगर निगम पर 10 बजे से भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। ठीक।